सौम्य रेंज, आज मैं सौम्य आपको बताने वाला हूँ कैसे आप विंडोज़ का माउस कंट्रोलर जो पॉइंटर होता है उसे अपने फ़ोन में ला सकते हैं और उसे फेशियल अपने से फेस के एक्सप्रेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगी, मैं उसका आपको लिंक दे दूँगा। उस एप्लीकेशन का नाम है EVA फेशियल। देखिए ये रही फेशियल, आगे भी कुछ आ जाए फिर खोलती है, आपको ये एनेबल कर लेना है। सबसे पहले आपको एनेबल को मांगे गए, अब उसके बाद आपको उसके विचार नहीं करना है, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। फिर यहाँ से आपको क्रॉस आएगा, सेटिंग में जाके EVA का कीबोर्ड लगा देना है, एक्सेस दे देना है इसे और डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड को भी EVA कीबोर्ड कर देना है। अब देखिए टिक हो गया, ऐसे आपको नेक्स्ट करना है और इसे एक्सेस दे देना है कैमरा का। अब उसके बाद ये छोटा सा जो कैमरा आ रहा है उससे ये मेरी फ़ोटो लेगा, मेरा फेस डिटेक्ट करेगा पहले, तो मैं आपका फेस डिटेक्ट करने देता हूँ, इसे डिटेक्ट करने देता हूँ। आपका थोड़ा टाइम ले सकता है, अब मेरा इतनी अच्छी लाइट्स यहाँ पे नहीं है जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। एक सेकंड में अपना लाइट्स खोल ही लेता हूँ, इतना टाइम है तो। देखिए मेरा डिटेक्ट हो गया, फेस दिखा रहा है ये, तब तो आपका फेस दिखा देगा ऊपर। अब मुझे बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सॉरी थोड़ा सा वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे। अब आपको देखिए पॉइंटर हमारा आ चुका है, देखिए ये आ चुका है पॉइंटर हमारा। इसे आपको बस वो करना है, अपने इसके आप सेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कितना स्पीड इसकी होनी चाहिए, 80 सही है, वैसे 11 रिकमेंड करूँगा मैं, अभी तो मैं सबको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब जो द स्पीड ऑफ पॉइंटर एंड अदर सेटिंग, गो टू सेटिंग एसेबिलिटी फेशियल माउस सेटिंग। अगली बार आपको चेंज करनी होगी सेटिंग तो आपको नहीं जाना है। तो अभी टेस्टिंग के लिए आपको मांगेगा कि पता चल रहा कि आपका ये सही चल रहा है नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए मेरा फेस डिटेक्ट हो गया है ऊपर देखिए, और मैं किसी भी क्लिक करना होगा तो आपको ऐसे करना है, मतलब किसी भी उस पर क्लिक करना होगा, थोड़ी देर उस पर रहना है तो अपने आप क्लिक हो जाएगा। पहले आपको टेस्ट करने को ऐसे मांगेगा, ये क्लिकिंग ऑप्शन हो गया। स्क्रॉल बटन्स या आप ये इन द नेक्स्ट स्क्रीन द पॉइंटर विल द क्लिक फंक्शन विल बी एनेबल, इससे क्लिक फंक्शन आपका एनेबल हो जाएगा। ठीक है आप ये सब छोड़िए, और ये आपको कीबोर्ड के फंक्शन बता रहा है, ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। अभी जो मेरा मेन काम था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये आ गया है यहाँ पे, मैंने मेरे फेस को डिटेक्ट कर लिया, फेस जब मेरा डिटेक्ट होगा तो ये रेड हो जाएगा, ऊपर जो मेरा बार वाइट हो रहा है वो रेड होगा, इसलिए पहले मैं फेस डिटेक्ट कर लेता हूँ अपना। एक्चुअली मेरी लाइटिंग अच्छी नहीं है इस समय, इसलिए देखिए अब हो गया डिटेक्ट। ज़्यादातर मैं अपने फेस की पोजिशन चेंज करूँगा तो ये भी चेंज होगा। अब लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं आप मेरा नया बार आया था, उससे नीचे मेरे तीन ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन है कीबोर्ड का, सेकंड ऑप्शन आप किसी भी क्लिक करेंगे तो उसका टेक्स्ट भी आपको दिखेगा, थर्ड ऑप्शन है इसे डिसेबल करने का, तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं। और किसी भी क्लिक करना है तो आप जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में कैमरा, एक सेकेंड क्लिक करना है तो बस यहाँ पर आपने थोड़ी देर छोड़ देना है, तो एक आपको खुद पूछेगा होम स्क्रीन टू होम है, तो स्क्रोल ब्लैक मतलब लेफ्ट साइड स्लो स्क्रोल कर सकते हैं आप, फॉरवर्ड से राइट लॉन्ग क्लिक से, वैसे आपका होम बटन खुल जाता है। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है एक्चुअली, जो अपने फ़ोन को ऐसे कंट्रोल कर नहीं पाते हैं उनके लिए, बट आप अपने फ्रेंड्स को अच्छी तरह से अमेज कर सकते हैं इससे। देखिए दोस्तों मैं आपको आज की वीडियो के लिए इतना ही बताऊँगा, अगली वीडियो में ऐसी टेक वीडियो डालता रहूँगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थोड़ी बहुत वीडियो क्वालिटी लाइटनिंग लाइट वगैरह और हिलने की वजह से सॉरी, बट आप वीडियो कंटेंट पर जाएगा इस सब पे मत जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा इसका डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।